Hello students, so we met again. Welcome all of you in this super cool session on Academy, जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके चैनल Let's Crack NEET UG पर. मैं हूं आपकी एजुकेटर, जो कि अब अन अकेडमी पर आपको नीट बायोलॉजी पढ़ाऊंगी. देखो, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैं हूं डॉक्टर मीतू भावनानी. बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूं और पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं. अब मैं अन अकेडमी पर हूं, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया है. तो उससे जुड़ना कैसे है, मुझसे जुड़ना है तो अन अकेडमी से जुड़ना पड़ेगा. उसके लिए आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में जाकर अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा. जैसे ही आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आप नीट यूजी के कोर्सेज एसेस कर सकते हैं और आपको सब्सक्रिप्शन लेना है. सब्सक्रिप्शन में 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है स्टूडेंट्स. उससे आप ले पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड अनलिमिटेड एसेस. आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, उससे आप रेगुलर मेरे से लाइव जुड़ पाओगे. मैं आपको रेगुलर कोर्सेज दे रही हूं, वन शॉट वन वीडियो, मैराथन, लाइव टेस्ट, सारे कुछ चीजें. तो आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है और वो सब्सक्रिप्शन 1 ईयर एंड 2 ईयर का बेस्ट है. 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट बेस्ट है. आप मेरा कोड MB10 यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, वो बेस्ट है. MB10 कोड यूज करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. अब स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12th का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. बहुत स्टूडेंट इस टॉपिक को बहुत ज्यादा बोरिंग तरीके से लेते हैं. देखो, बोरिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ थ्योरेटिकल वाइज ज्यादा है. मतलब इसमें हम लोग कोई बहुत ज्यादा ह्यूमर नहीं डाल सकते, कोई ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है. पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ज्यादा बेस्ट और अच्छे से इसको समझा पाऊं. ठीक है, इसमें से आप मान लीजिए कि 3 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज नीट में पूछे जाते हैं, जो रेंज वाइज हम लोग प्रीवियस ईयर से निकाले. ठीक है, अब देखो, इंट्रोडक्शन की बात करें, इस पूरे चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि ह्यूमंस आर यूटिलाइजिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स. इज इट क्लियर? ह्यूमंस आर यूटिलाइजिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स खुद के बेनिफिट के लिए. लेकिन अगर वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर लें, उन्हें पाल लें, उन्हें केयर, अफेक्शन, रियरिंग दें, ठीक है, केयर, अफेक्शन, ठीक है, रियरिंग, मेडिकल चेकअप. थ्योरी में सब लिखा है, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूं. ठीक है, उनको बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर की तरह रखना, रेजिडेंस उन्हें देना जो कि प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, जो कि प्रॉपर वेंटिलेट होना चाहिए. सो रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज डोमेस्टिकेशन. और रियरिंग में सब कुछ आ गया, केयर, अफेक्शन, मेडिकल चेकअप. ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बहुत टाइम पहले से चल रहा था, पर मेनली जो पहले ह्यूमंस थे वो उन्हें देखो फूड के लिए यूज कर सकते थे. आजकल एग्रीकल्चर, वुल, फर, स्टडी, रिसर्च एंड प्लेजर के लिए भी एनिमल्स को यूज किया जाता है. ठीक है, काउस, बफेलोस, गोट्स एंड शीप्स फॉर पिग्स एंड फॉर मीट, हनी फॉर, मतलब आप देखो, काउस, बफेलो, गोट, शीप, पिग्स फॉर मीट एंड हनी बी फॉर हनी. हर एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के लिए यूज किया जाए. कैटल, हॉर्सेस, म्यूज, डंकीज, कैमल, एलिफेंट्स, रेंडर आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, एक तरीके से इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना हमारी इकोनॉमी को क्या करता है, रेज करता है. जो सबसे पहले एनिमल डोमेस्टिकेट है वो है डॉग, है द लॉयल एनिमल. ठीक है, अब इनके बारे में क्या है, रिसर्च स्टार्ट हुई कि आप एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हो तो उनको रिप्रोड्यूस करो, उनको खूब अच्छा खिलाओ, जिससे कि वो एक बोलते ना कि बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे. मतलब कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि उनकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी बढ़ जाए, दो जो ऑर्गेनिजम्स की ब्रीडिंग हो वो इतनी अच्छी बढ़ जाए, क्योंकि जो भी हमें आगे ऑफस्प्रिंग मिले वो क्या हो, बेस्ट क्वालिटी का हो.
तो पेट्स, लाइफ स्टॉक, ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. लैग कल्चर हम लोगों को नहीं देखना है, ठीक है. अब देखो, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर स्पेशलाइजिंग विद ब्रीडिंग, रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इज एनिमल हस्बेंड्री. इसके अंदर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग भी देखेंगे, ठीक है. ऐसा कहा जाता है कि इंडिया और चाइना में 70% लाइफ स्टॉक इसमें से आता है. किसमें से आता है स्टूडेंट्स? इन चीजों में से. लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस करना जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें यूज होती है, ठीक है. 70% एनिमल ब्रीडिंग. देखो अब एनिमल ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? मेटिंग. मेटिंग टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. गेटिंग माय पॉइंट? व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड मींस सेम स्पीशीज. जहां पर ब्रीड की बात होती है वहां पर हम लोग स्पीशीज वर्ड ले लेते हैं. मेटिंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इन ब्रीडिंग. मेटिंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म ऑफ टोटली डिफरेंट स्पीशीज आउट ब्रीडिंग, ठीक है. इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? देखो इन ब्रीडिंग में क्या है, आप एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को ले रहे हो, बार 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 मेट करा रहे हो. तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि मेल भी सुपीरियर होना चाहिए और फीमेल भी सुपीरियर होनी चाहिए. सुपीरियर मतलब ऑफ बेस्ट क्वालिटी, ठीक है. ऑफ बेस्ट क्वालिटी द प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम सच मेटिंग. जो भी प्रोजेनी होगी, देखो अगर आप सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को मेट कराओगे तो जो ऑफस्प्रिंग्स होगा वो भी क्या होगा? सुपीरियर ही होगा. गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी. होमोजाइगोसिटी मतलब आपको एक ही एक जैसे कैरेक्टर्स बार 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 रिपीट हो रहे हैं. जैसे आपने दो ऑर्गेनिजम्स को ले लिया, अब आप बार बार उनको ही मेटिंग कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो, कोई वैरायटी न्यू ला ही नहीं रहे हो. तो एक लिमिट बात क्या होगा, आपको उतनी अच्छी वैरायटी नहीं मिलेगी, ठीक है. गेटिंग माई पॉइंट? तो इट हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जी. जहां पर भी आपको सिंपल ब्रीडिंग चाहिए कि एक सुपीरियर मेल मिल गया, एक सुपीरियर फीमेल मिल गई है, अब बार 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 उसको मेट करवाकर एक पर्टिक्यूलर, मतलब हम कह सकते हैं कि 4 to 6 जनरेशंस तक आप सुपीरियर क्वालिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हो. अब क्या होता है, अब मैंने क्या बोला, कंटिन्यू होता जा रहा है, 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 तो फाइनली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी. क्योंकि आपको कोई भी न्यूनेस नहीं मिल रही है, नो न्यू वेराइटी, नो न्यूनेस, नो न्यू वेराइटी, नो न्यूनेस, ठीक है. तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. अब इससे क्या होता है, देखो वेयर एवर देर इज अ प्रॉब्लम द सेलेक्टेड एनिमल्स ऑफ ब्रीडिंग पॉपुलेशन शुड बी ब्रीडेड विद द अनरिलेटेड सुपर एनिमल्स ऑफ द सेम. देखो ये मेल है, ये फीमेल है, अब आप इसको मेट कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन है. एक ही मेल और फीमेल है, या तो कुछ टाइम बाद चेंज मेल, फीमेल को इंटेक्ट कर लो, या फीमेल को चेंज कर लो, मेल को इंटेक्ट कर लो, स्पीशीज को चेंज मत करो, उससे आप फर्टिलिटी और यील्ड रिस्टोर कर सकते हैं. आउट ब्रीडिंग. आउट ब्रीडिंग मतलब देखो इसमें क्या है, आउट ब्रीडिंग इज अ ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, जिनका कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं हो, या बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीशीज पे चले जाओ. बेस्ट है क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, और इंटर स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन.
ठीक है, इंटर स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन, आउटक्रॉसिंग। देखो इसमें क्या है, आपने दो एनिमल्स को ब्रीड कराया है बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जेनरेशन। आपने मेल और फीमेल को क्या कराया है, मेट कराया है। मेल और फीमेल को क्या कराया, आपने मेट कराया है। जब आपने उनको मेट कराया तो आपको न्यू ऑफस्प्रिंग मिलते जा रहे, मिलते जा रहे, मिलते जा रहे, मिलते जा रहे, पर बीच में आप मेल और फीमेल को चेंज कर ही नहीं रहे हो। तो अगर आप कोई न्यू एंसेस्टर्स को ऐड करना भी चाहो तो चाह कर भी ऐड नहीं करते, उसका रिजल्ट क्या होता है, आउटक्रॉस। ठीक है, इससे यह होगा कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प हो जाएगी, ग्रोथ रेट आपको मिल जाएगी। क्रॉस ब्रीडिंग, देखो ये चैप्टर क्या बहुत ही थ्योरेटिकल है तो पूरा तो मैं पढ़ूंगी नहीं, तो मैं मेन मेन चीजें आपको बता रही हूं जो एक्चुअली नीट में एज अ क्वेश्चन पूछी जाती है, तो ध्यान से देखना। देखो, सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड मेटेड विद सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड, मतलब आपने दो अलग अलग ब्रीड के वेराइटीज को मिलाया और फाइनली आप एक ऑफस्प्रिंग बना रहे हो। ठीक है, देखो, क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट बीज टू बी कंबाइंड। ठीक है, इससे आप मैनी न्यू एनिमल्स हैव बीन डेवलप्ड। ठीक है, देखो, हिजारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शेप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉस बीकानेरी एंड मरीनो रेंज। गेटिंग माई पॉइंट, कहने का क्या मतलब है कि बीकानेरी शीप को आपने मरीनो, मतलब पंजाब की शीप को आपने किसके साथ मेट कराया, पंजाब की शीप को आपने बीकानेरी के साथ कराया। ठीक है, हमने क्या बोला, पंजाबी को हमने बीकानेरी के साथ कराया। ठीक है, अब पंजाब में देखो ब्रीड क्या है, ब्रीड इटसेल्फ इन द स्पीशीज। ठीक है, तो या तो ये एक ब्रीड है, ये इसी स्पीशीज की है, ये दूसरी ब्रीड है दूसरी स्पीशीज, तो दो अलग अलग स्पीशीज हो गई। अब मैं कह रही हूं टू ब्रीड्स ऑफ सेम स्पीशीज बट ऑफ डिफरेंट एरियाज, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये वाली है, तो बीकानेरी एक अलग एरिया की शीप है, पंजाबी एक अलग एरिया की शीप है, तो इससे आपको क्या मिला, हिजारडेल। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक में आप टोटली टू डिफरेंट स्पीशीज को उठाओगे, मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को आप क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट, समझ आया आप लोगों को। देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूल, पर म्यूल की क्या प्रॉब्लम है कि जरूरी नहीं है कि आगे चल के म्यूल भी क्या हो, फर्टाइल हो, नॉट फर्टाइल, क्योंकि आप एक ऑर्गेनिज्म जो कि टोटली डिफरेंट स्पीशीज का है उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म टोटली डिफरेंट स्पीशीज के साथ मेट करा रहे हो। अब देखो, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, हम लोग जो चाहे यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, द सेमन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल। ठीक है, देर इज, इसमें क्या है, देर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट, इंजेक्टेड इन टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर, मतलब आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो, अच्छा ये मेल का सीमन उठा लो और इसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल दो। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्या है, ये जो प्रॉब्लम है, इन दिस वे डिजायरेबल मेटिंग्स आर कैरीड, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग, जैसे नॉर्मल मेटिंग में नो मोर नॉर्मल में हो ही नहीं रही है। ठीक है, मेल इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स द फीमेल, प्रॉपर फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ओवरकम हो जाती है। ठीक है, सक्सेस क्या है, टू इंप्रूव द सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स, इज इट क्लियर। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, देखो
इसमें जैसे देखो ये यहां पर काओ को आपने हॉर्मोन्स दिए, गेटिंग माई पॉइंट. मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी एनिमल को इंड्यूस किया, आपने किसी एनिमल को क्या किया, हॉर्मोन से इंड्यूस किया, ठीक है, इंड्यूस किया, गेटिंग माई पॉइंट, उसको इंड्यूस किया कि वो बार 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 ओव्यूलेशन करे. जब जब वो बार बार ओव्यूलेशन करेगी तब तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अप्लाई कर दो, ठीक है. जैसे ही होगा जायगॉट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा. एम्ब्रियो को आप जो भी एनिमल चाहते हो उसमें क्या कर दो, इंजेक्ट कर दो. पर वो कब होगा, जब आपने किसी एक पर्टिकुलर एनिमल को लिया, उसको इंड्यूस किया, इंड्यूस करने के बाद आपने क्या किया, उसमें ओव्यूलेशन कराया, ओव्यूलेशन के बाद जो ओवा बना उसको क्या करा, स्पर्म से इंसेमिनेट कराया. तो जैसे ही आपने स्पर्म के साथ इंसेमिनेट किया, एम्ब्रियो फॉर्म हो गया, ठीक है. अब द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन. सुपर ओव्यूलेशन मतलब बार 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 तेजी से ओव्यूलेशन कराओ, ठीक है. क्योंकि जब जब ओव्यूलेशन होगा, ओवा रिलीज होगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, आप सीमन डाल के उसको फर्टिलाइज कर सकते हो, ठीक है. दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल, शीप, रैबिट्स एंड मेयर्स. मेनली इनको कैटल के लिए यूज किया जाता है. कैटल मतलब काउज एंड बफेलोज मेनली, ठीक है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑफरिंग इन शॉर्ट टाइम, गेटिंग माई पॉइंट. डॉग्स एंड कैट, अब देखो डॉग्स में क्या है, डॉग वॉज अमॉन्ग द अर्लिएस्ट एनिमल दैट इज द फेथफुल कंपेनियन, ठीक है स्टूडेंट्स. डॉग जो डोमेस्टिक डॉग है उसको कैनिस फेमिलारिस कहते हैं, ठीक है. इट कैन बी ट्रेन टू प्रोटेक्ट फॉक्स, हेल्प इन ट्रैकिंग, यूजफुल इन एनिमल फॉर हंटिंग. इनका सेंस बहुत शार्प होता है तो वेरी प्रोटेक्टिव होते हैं ये लोग घरों के लिए, ठीक है. एस्किमोज है, डॉग रेजिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस, डॉग इज अ सिंबल ऑफ लॉयल्टी. कैट फेलिस डोमेस्टिकस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूं मैं, ठीक है, ये भी एक नाइस पेट है, रैट्स को और माइस को भगाने में काम आते हैं, ठीक है. लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है, लाइफ स्टॉक का मतलब है आप एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करो, उनको केयर करो, रेयर दो, खाना दो, उनको प्यार दो, उनको रखो, ठीक है, उनमें से चीजों को निकालो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको अनवांटेड एक्सप्लॉइट करोगे. दे शुड बी केयर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है. ये एनिमल्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा है काउज एंड बफेलोज का यूज, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ कैटल एंड बफेलोज, देखो कैटल एंड बफेलोज में क्या होता है, ये काओ तो क्या है, फीमेल है, और ऑक्स क्या है, मेल है, ठीक है. अब देखो किस किस में यूज होंगे, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, प्लगिंग, हैरोइंग, लेवलिंग, हल जोतना, हल को आगे बढ़ाना, राइट क्रॉप को निकालना, वर्किंग वेल्स को करना, ठीक है. मिल्क, मिल्क मिलता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. मैन्योर एंड फ्यूल, काउडंग, ठीक है, काउडंग से क्या बनती है, गोबर गैस, ठीक है. इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है स्टूडेंट्स. लेदर, ग्लू, जिलेटिन, देखो मीट एंड बफेलो मीट, देखो कभी कभार बीफ, बहुत से एरियाज में बीफ एंड बफेलो मीट भी कहा जाता है, और इनके हेयर से ब्रश बनता है. ब्रीड्स ऑफ कैटल, 26 ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड 7 ब्रीड्स ऑफ बफेलोज. 26 ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड 47 ब्रीड्स ऑफ बफेलो इन इंडिया. इनका अपना कलर है और आप ये देख सकते हो कि इनका अपना स्ट्रक्चर है. तो अगर इंडियन ब्रीड है तो देसी, ठीक है, या फॉरेन ब्रीड है, गेटिंग माई पॉइंट. जैसे होल्स्टीन फ्रिशन, जर्सी, क्विम्से, एयरशायर, ब्राउनसिस, ठीक है.
अब इनके ग्रुप्स हैं, मिल्च ब्रीड्स, एम फॉर मिल्च, एम फॉर मिल्क, ड्राउट ब्रीड्स फॉर गुड वर्क एग्रीकल्चर, ठीक है, जनरल यूटिलिटी बोथ, एग्रीकल्चर में भी गुड है और मिल्क भी दे रहे हैं। देखो मिल्च ब्रीड, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, गिर गुजरात या राजस्थान, साहिवाल पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, रेड सिंधी ये क्या है, मिल्क, एग्रीकल्चर, गेटिंग माय पॉइंट, दियोनी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मालवी नागेरी हालिकर कंग्यायम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, राजस्थान मध्य प्रदेश दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश, ये कर्नाटका है, ठीक है, इट इज कर्नाटका, तमिलनाडु अदर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, जनरल यूटिलिटी ब्रीड हरियाणा, ठीक है, हरियाणा ओंगोल कंकरेज थरपरकर ये सारे एरियाज हैं। उसके बाद जो हमारे पास इंडियन है, बफेलोज की बात करें तो मुर्रा भाडवारी जाफरबादी सूरती मेहसाना नागपुरी या नीली रवि, दीज आर द एरियाज। इस पे मुर्रा पे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। फीडिंग ऑफ कैटल किससे होता है, रफेज या फिर कॉन्सेंट्रेट। फॉडर देखा है आपने, लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं, बहुत लंबी लंबी, कंप्लीटली फुल ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, तो फॉडर है घास फूस स्ट्रॉ, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर, फाइबर बहुत होता है, मतलब इससे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट्स क्या है, कॉन्सेंट्रेट्स आर न्यूट्रिएंट कंटेंट, जैसे सीड्स हो गए, ऑयल सीड्स, बाजरा ग्राम, ठीक है। कैटल्स आर गिवन मेज बाजरा ज्वाइस ड्राई फॉडर, और उनको सफिशियंट डेली वाटर चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं गाय के काब्स, उनको सकलिंग काब्स ऑल्सो नीड वाटर, ओके, दे डिपेंडेंट ऑन मिल्क ऑफ द मदर, और उनको वाटर भी चाहिए। ब्रीडिंग ऑफ कैटल, ब्रीडिंग ऑफ कैटल क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल ब्रीडिंग क्या है, आप नेचुरल ब्रीडिंग रैंडम तरीके से करवा सकते हो, रैंडम तरीके से मतलब आपने अपने हिसाब से एक बुल ले लिया, अपने हिसाब से काउ ले लिया और उनको मेट करा दिया। कंट्रोल ब्रीडिंग में क्या है, आप खुद कंट्रोल करते हो, खुद आप मतलब कह सकते हो ना कि काउ और बफेलो को देख रहे हो, जैसे आपने बोला कि मैं फॉरेन ब्रीड लूंगा, तो जर्सी इंग्लैंड से लोगे, होल्स्टीन फ्रिशियन हॉलैंड से लोगे, ब्राउन से स्विट्जरलैंड से लोगे, आयरशायर स्कॉटलैंड से हो गए, तो आप क्या है इसमें ढूंढ रहे हो उसकी, आप क्या पूरी नॉलेज लेके ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग रिक्वायर प्रॉपर नॉलेज, ठीक है स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग अगेन, इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन इन दी बॉडी ऑफ वजाइना फीमेल, इसमें नो फिजिकल कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है, आपको नेचुरल ब्रीडिंग नहीं करनी पड़ती। इसमें क्या, बहुत सारा सीमन लेके अलग 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 काउज में डालकर ज्यादा ब्रीड बना सकते हो, ज्यादा ऑफस्प्रिंग बना सकते हो, ठीक है। सेवरल काउज कैन बी इनसेमिनेटेड बाय सीमन ऑफ सिंगल बुल। सुपर ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, ये एक रीसेंट टेक्निक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सुपर ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड इन द काउ बाय हार्मोन इंजेक्शन। जैसे FSH का इंजेक्शन दिया तो उनके फॉलिकल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ही फॉलिकल्स एक्टिव हो जाएंगे क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन बार बार होगा, बार 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 ओव्यूलेशन होगा, तो आप जल्दी से जल्दी ओव्यूलेशन होगा, जल्दी से जल्दी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा सकते हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एम्ब्रियो बनेगा, आप डिफरेंट डिफरेंट काउज में उनको ट्रांसप्लांट करा दो, तो काफ प्रोड्यूस बाय दिस मेथड सुपर मिल्क एंड हाई क्वालिटी बुल, वो मिल्क भी देगा और एग्रीकल्चर में हेल्प भी करेगा, ठीक है। ब्रीडिंग एंड काविंग सीजन, अब इनका क्या होता है, एक सीजन होता है जिसमें ये बेस्ट वर्क करते हैं, वो है जुलाई टू नवंबर।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ड्यूरिंग दिस ब्रीडिंग पीरियड द बुल्स आर सेक्सुअली वेरी एक्टिव, सेक्सुअली वेरी वेरी एक्टिव, तो उनका जो क्वांटिटी ऑफ सीमन है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर उस टाइम पे हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें तो हमें काफी काफ्स मिल सकते हैं। लेंथ ऑफ जेस्टेशन, लेंथ ऑफ जेस्टेशन एनवायरमेंट पे फर्क पड़ता है, ब्रीड की क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, 276 to 340 days। ठीक है, काउ में 284 or 9 months, जैसे ह्यूमंस में मदर का जेस्टेशनल पीरियड 9 months का होता है। ये ब्रीड हो गई लोही, रामपुर, नाली, भकरवाल, डिकैनी, नेलोर, मारवाड़ी एंड पटनवाड़ी। ठीक है, ये शीप की है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ये दूसरी साइड उधर आनी चाहिए थी, ठीक है पहले आ गई है। आप देखो ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन सबका अलग अलग होता है। ठीक है, बफेलो का क्या होता है, 281 days। ठीक है, और जो काव होती है, जो बच्चा होता है, उसको कम से कम 480 डेज तक मिल्क पिलाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक डिजीजेस, कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, वायरल डिजीजेस, फुट एंड माउथ पॉक्स, बैक्टीरियल डिजीजेस, रिडन पेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स। ये कब होता है, नॉट केयरिंग the animals, time to time veterinary doctor का medical checkup चाहिए, fungal diseases, ringworm। sheep and goats की बात करें, sheep and goats भी बहुत तरीके से help करती हैं, जैसे वो milk produce करती हैं, ठीक है, meat देती हैं, और sheep से क्या है, fur या फिर wool बनता है। Sheep lives about 13 years. Feeding of sheep and goats, why? Weeds or grass. ठीक है? Breeding of sheep and goats, again cross breeding is the best. Best. ठीक है students? इसमें क्या है, देखो आप क्या कर सकते हो कि एक sheep को उठा लो जो अच्छी खासी बोलते हैं ना कि बॉडी की हो, और एक दूसरी शीप को उठा लो जो कि आपको फर दे रही हो, आप उन दोनों को ब्रीड करा लो, आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ इंडियन गोट्स, गढ़ी एंड छांबा, कश्मीरी, जमुनापुरी, बीटल, मारवाड़ी, बेरारी, मालाबरी, बंगाल, इस पे क्वेश्चन आया है, जिसपे क्वेश्चन आया है वही बता रही हूं, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा थ्योरी कवर करता है। एपिकल्चर क्या होता है, देखो एपिकल्चर इज द साइंस ऑफ रियरिंग ऑफ हनी बीज, हनी बीज की केयरिंग, रियरिंग, केयरिंग, रियरिंग मतलब उनको क्या है, यूज करना फॉर लार्ज स्केल। Extract products for a large scale. ठीक है, हनी बीज की स्पीशीज क्या होती हैं? एपिस फ्लोरिया, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलीफेरा, एपिस एडमसोन। ठीक है, सॉरी यहां पर होना चाहिए, द लिटिल इंडियन बी, ज्वाइंट बी, कॉमन यूरोपियन बी, अफ्रीकन बी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा डोमेस्टिकेट की जाती है वो है एपिस मेलीफेरा एंड एपिस इंडिका। ठीक है, हनी बीज एपिस, देखो ये सोशल इंसेक्ट्स हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड क्वालिटी हैं, इनमें सक करने की प्रॉपर्टी होती है, चू करने की प्रॉपर्टी होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्टार सकिंग, नेक्टार सकिंग, ठीक है, हेल्प्स इन पॉलिनेशन टू कैरी आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई अगर आपको पोलन ग्रेन्स को
फीमेल तक पहुंचाना है तो पॉलिनेशन है, ये सोशल ऑर्गेनाइज्ड करती हैं, ठीक है। इसमें तीन तरीके की कास्ट आएंगी, क्यून, ड्रॉन एंड वर्कर, ठीक है। द क्यून, देखो क्यून क्या है, फर्टाइल फीमेल, क्यून क्या है, फर्टाइल फीमेल, गेटिंग माय पॉइंट। वो बोलते हैं ना कि रानी होती है उसको सबका प्रोटेक्शन मिलता है, उसको रॉयल जेली मिलती है, सब कुछ मिलता है, मतलब ओवरऑल द क्यून इज द पावरफुल, वी कैन से द मोस्ट लग्जीरियस पर्सन ऑफ द हनी हाइट। 15 to 20 meters की लेंथ होती है और बहुत ही इजीली डिस्टिंग्विश हो जाती है, ठीक है। देखो ये क्यून है, ये काम करने के लिए नहीं बनी हुई है, तो ना तो ये नेक्टार को लाएगी हनी भी बनाने के लिए और ना ही पॉलिनेशन करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक्स्ट्रा का है, इतना नहीं देखना है हम लोगों को। यस, वन क्यून लेज अबाउट 1500 to 2000 एग्स इन अ डे, मतलब अगर हम लोग इसके पूरे लाइफ स्पैन की बात करें और कहें कि शुरू के 5 साल ही अंडे देती है तो 1500000 एग्स देगी, गेटिंग माई पॉइंट। एट द सेम टाइम ओल्ड क्वीन मे बी ड्रिवन आउट बट समटाइम्स सम वर्कर्स ऑब्जेक्ट दैट हैज टू बाय द मदर ऑफ द कॉलोनी बी ड्रिवन आउट, मतलब क्या होता है, जैसे अगर किसी हाइव में 2 से 3 क्वीन है तो फिर भी जो वर्कर्स होंगे वो नहीं बोलेंगे कि अच्छा 3 क्वीन बैठी हुई है तो आप चले जाओ, आप चले जाओ, आप चले जाओ, वो बोलेंगे नहीं, क्वीन एक मदर है और मदर काम नहीं करेगी। तो अलग अलग हाइव्स बन जाती हैं, एक हाइव में एक क्वीन, दूसरी हाइव में दूसरी क्वीन, तीसरी हाइव में तीसरी क्वीन, तो 3 हाइव में अलग अलग क्वीन, जिसको बोलते हैं स्वार्मिंग, ठीक है। द ड्रोन, ड्रोन एक मेल मेंबर होता है, मेल मेंबर है तो फर्टिलाइजेस द क्वीन एंड ऑल्सो द किंग ऑफ द कॉलोनी, गेटिंग माई पॉइंट। ये भी वर्कर्स पर पूरी तरीके से क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, गेटिंग माई पॉइंट। एंड देयर ड्यूटी इज टू फर्टिलाइज द वर्जिन क्वीन एट द टाइम ऑफ मेटिंग, फ्लाइट द ड्रोन फॉलोज द क्वीन, कॉप्यूलेट्स एंड डाइज आफ्टर कॉप्यूलेशन। ड्रोन कॉप्यूलेट करने के बाद, फीमेल को फर्टाइल करने के बाद डेड हो जाता है। वर्कर्स स्मॉलेस्ट हैं पर ये सबसे ज्यादा काम करते हैं, इनके ऊपर पूरी मशीनरी होती है, इनको क्या कहते हैं, ये हाइव्स बनाते हैं, ये बी का क्या है, हाइव बनाते हैं, ठीक है। हर एक चैम्बर को ये हनी से लेड करके रखते हैं, जिसको वर्कर सेल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज वाई दे आर प्रोवाइडेड फॉर विद सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स, जैसे इनके पास लॉन्ग प्रोबोसिस होगा, स्ट्रॉन्ग विंग्स होंगी, पोलन बास्केट, पावरफुल स्ट्रिंग वैक्स ग्लैंड। इन्हें बाहर जाना है, नेक्टार सक करना है, पॉलिनेशन करना है, तो इनकी बॉडी अच्छी खासी वेल डेवलप स्ट्रक्चर स्टेमिना वाली होनी चाहिए, ठीक है, और इनको प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। ये देखो ये पूरा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे रखा है इसका, इसमें इतना यूज नहीं है पर आप लोग देख लो इसको। This is the head. भाई B है तो आर्थ्रोपोडा में आएगी ना, Getting my point. Head हो गया, thorax हो गया और आपका abdomen. Getting my point. These are the wings. ये sting है, बोलते ना कि हनी भी डंक मारती है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ एपिस इंडिका, एग दिया, लार्वा बना, प्यूपा बना एंड फाइनली एडल्ट भी, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। बीहाइव, बीहाइव इज दी हाउस ऑफ बीस, ठीक है। ये देखो जो नेचुरल बना रही है वो तो बी हाइव है, अगर आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल बॉक्स,
मैन मेड बॉक्स जहां पर आप बीज को रख सकते हैं, केयर रेयर यूटिलाइज कर सकते हैं, उन्हें अपियरी कहते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट मेथड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ हाइव बट द मोस्ट कॉमन मॉडल इज न्यूटन हाइव डिजाइंड बाय फ्रेंड न्यूटन। ये क्या होता है, एक वुडन स्टैंड की फॉर्म में होता है जिसके दो चैम्बर होते हैं, एक हनी चैम्बर एक ब्रूड चैम्बर। ठीक है, हनी चैम्बर में क्या है, वर्कर्स को रखा जाता है हनी के लिए, ब्रूड चैम्बर में क्यून को रखा रहता है जो कि ड्रोन से क्या होती है, फर्टिलाइज होती है। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको सार बता दिया है। हनी मेनली कंपोज्ड ऑफ मोनोसैकेराइड्स शुगर्स, गेटिंग माय पॉइंट। ये इस तरीके से ऐसे चैम्बर्स होते हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल का किया था ना, क्या हनी कॉम स्ट्रक्चर, एक एक में हनी इज लिडन। ठीक है, और ये जो हनी है ये हर एक हेक्सागोनल इम्प्रिंट से क्या हो सकती है, डिटैच हो सकती है। हनी एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मशीन से, जिसको बोलते हैं हनी एक्सट्रैक्टर। गेटिंग माई पॉइंट, ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो हनी एक्सट्रैक्टर ड्रम होता है इसको रैक पे रख देते हैं, रैक पे रखने के बाद जोर से फोर्स लगाते हैं और जितना भी हनी है वो फोर्स से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है और हनी बीज क्या हो जाती है, अंदर ही रह जाती है। तो सुपर फ्रेम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द हाइट, उन्हें कट किया जाता है, रोटेट किया जाता है। ठीक है, और हनी इज पोर्ड फ्रॉम कॉम सेल्स। गेटिंग माई पॉइंट, लोकेशन ऑफ अपियरी, वहां पर रखेंगे जहां प्लेंटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे, तभी तो नेक्टार आएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन, हनी बी शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम गार्डन लिजार्ड एंड स्नेक्स, ब्लैक आंट भी इनका हनी ले जाती है, वॉस्प किल हनी, वैक्स मोर डैमेज इज द कॉम, सो इनसे आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन देनी है। फॉर्मेशन ऑफ हनी कैसा होता है, हनी एक गाढ़ा शुगरी फ्लूइड है जिसके अंदर शुगर और आप कह सकते हो कि सैकेराइड है। देखो जो नेक्टर फ्लावर से एब्जॉर्ब होता है वो हनी बी के स्टमक में चला जाता है। ठीक है, स्टमक में क्या होता है, नेक्टर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है, बार 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 रीगर्गेट होता है, मुंह में आया दोबारा एब्जॉर्ब हुआ, मुंह में आया दोबारा रीगर्गेट, मतलब ऊपर लाना फिर एब्जॉर्ब किया, फिर नीचे गया फिर एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो बार बार रीगर्गेट रीगर्गेट और स्वेलो करने के बाद इसे कम से कम 240 बार होगा। एक बार नेक्टर अंदर ले लिया, स्टमक में चला गया, रीगर्गेट ऊपर आया फिर अंदर गया, फिर रीगर्गेट ऊपर आया अंदर गया, तो ऐसे 240 टाइम्स करते हैं। उसके बाद फाइनली जो 240 टाइम्स के बाद जो विस्कस फ्लूइड बनेगा वो किस में चला जाएगा, कॉम्ब सेल्स में चला जाएगा, और उनके अंदर 80% ऑफ वॉटर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आ रहा है बच्चों समझ में, तो सबसे देखो मैं तो हमेशा यही कहूंगी कि मेरा सेशन एंड तक देखो, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन लो तो से मैं भरोसा दिलाती हूं कि आपका जितना हद तक है सिलेक्शन में करवा के रहूंगी सिर्फ मेरे पढ़ाने और कंटेंट से। मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो लेवोल्यूज डेक्स्ट्रोज माल्टोज एंड इंसेक्ट, ये कॉन्सेंट्रेशन है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एश वॉटर विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, विटामिन्स में ए बी बी टू पी सी सी एन की, हाईली न्यूट्रिशियस। ठीक है, वैल्यू ऑफ हनी क्यों है, स्वीटनर। ठीक है, ये एंटीबायोटिक भी होती है, सर्दी में इसको लेने को बोलते हैं, गर्माहट आती है, हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। 1 किलोग्राम हनी खा लो आपको इतनी किलो कैलोरी, आई मीन टू से कैलोरीज मिल जाएंगी। ठीक है, एथलीट्स ड्रिंक हनी टू रिस्टोर एनर्जी। ठीक है, हील वुंड्स, यूज टू कॉज फ्री यूरिनेशन, ईजिंग द बेली। ठीक है, गुड लग्जेटिव, कहीं ना कहीं रिमूविंग द टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, गुड टॉनिक फॉर अल्सर,
फैसिलेट्स डाइजेशन, ठीक है, कोल्ड एंड कफ में यूज होती है, मेडिसिंस, ठीक है। बी वैक्स क्या होता है? देखो, अगर हम हनी बी से हनी बनाते हैं तो वैक्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वैक्स भी बनाते हैं। वैक्स एक येलोइश सॉलिड इनसॉल्यूबल इन वॉटर है, ठीक है। ये पेंट्स में, वॉर्निशेस में, कैंडल्स बनाने में यूज किया जाता है एंड यूज्ड इन रेलवेज, टेक्सटाइल्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज। बी विनम, ठीक है, इट इज अ पॉइजन, क्यूरेटिव टॉक्सिन इन ह्यूमंस। ये क्या होता है? इसका देखो, एक तो टेस्ट, ये तो ट्रांसपेरेंट होता है, इसका बहुत ही बर्निंग टेस्ट होता है, इट इज हाईली एसिडिक, ठीक है। इसके यूजेस क्या होंगे? एक्टिव रेमेडी फॉर रूमेटिज्म, जिनको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ट्रीट सर्टेन आई डिजीजेस जैसे केराटो कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, इरिडोसिस्टिस, यूज टू क्योर स्किन डिजीजेस, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हद से ज्यादा घट जाए, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, कोलेस्ट्रॉल कभी घट सकता है? मेरी बॉडी इतना अबंडेंट कोलेस्ट्रॉल बना रही है कि कोलेस्ट्रॉल कभी भी घट नहीं सकता है। अगर आप बाहर से फैट लोगे तो वो बढ़ेगा ही, तो अगर वो बढ़ जाएगा तो बी विनम उसको हेल्प करेगा, कंट्रोल ब्लड प्रेशर। कम्युनिकेशन एंड डांस ऑफ हनी बी, दिस इज एक्स्ट्रा। कम्युनिकेशन के लिए वो बी डांस करते हैं, ठीक है। उनके डांस में एक कोडिंग होती है, और किसने देखा? कार्ल वॉन फ्रिश ने, जिन्हें नोबल प्राइज मिला। दो तरीके के डांस करते हैं, एक तो राउंड डांस, ये देखो ये राउंड डांस कर रही है, राउंड 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 राउंड, और टेक विगलिंग मतलब सिर्फ टेल को हिलाती है। राउंड डांस में क्या करती है? जैसे कोई सोर्स बिल्कुल पास है खाने का, तो राउंड 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 डांस करके वो बताएंगी कि खाने का सोर्स पास में है। टेल वेगलिक डांस को क्या बताएंगी? जब खाना बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। तो राउंड डांस फूड सोर्स नियर, टेल वेगिंग डांस फूड सोर्स फार अवे, ठीक है। बी कीपिंग इंडस्ट्री, देखो इंडियन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी, वो इन पे काफी फोकस कर रही है कि इन पे फोकस होना चाहिए, जिससे कि बी कीपिंग की जाए, ठीक है। बी कीपिंग में हमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, तो जिससे कि ये जो हनी है ये क्या है, नेशन वाइड पहुंच पाए। बी कीपिंग तो रिलेटिवली इजी, डस रिक्वायर सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज, नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज। मान लो आप ही कोई काट ले, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वैम्स, मैनेजमेंट ऑफ हनी बी एट डिफरेंट सीजन, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी बीज, ठीक है। पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? पोल्ट्री का मतलब होता है रियरिंग फॉर एग्स एंड मीट, रियरिंग फॉर एग्स एंड मीट, ठीक है। अगर हम लोग, जैसे हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे जो डक्स होती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो मतलब हम कहते हैं कि हम लोग पोल्ट्री में बर्ड्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, इट इज रिलेटेड टू बर्ड्स। तो एग लेइंग बर्ड हैन, ठीक है, और मीट प्रोड्यूसिंग आर चिकन एंड बॉयलर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री लाइक बर्मा, श्रीलंका आर दी ओरिजिनल, यहां पर 2000 सालों से इन चीजों की प्रैक्टिस की जा रही है। पोल्ट्री फार्मिंग वर्सेस लाइफ स्टॉक रियरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग में भी क्या है, बर्ड्स का डोमेस्टिकेशन, रियरिंग एंड केयरिंग, टू प्रोड्यूस
मोर एग्स, ठीक है। अगर बर्ड एग दे रही है और आप उसे यूज कर रहे हो तो इट इज अ हेन, ठीक है। और अगर वो खुद ही यूज हो रही है चिकन फॉर्म में, मीट फॉर्म में, तो ब्रॉयलर्स, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट 7500 करोड़ टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। एग ऐसी चीज है जो अधिकतर घरों में खाई जाती, यूज की जाती, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत होता है। मोर प्रोटीन कंटेंट, ठीक है। रेजिंग ऑफ पोल्ट्री, रेजिंग ऑफ पोल्ट्री में क्या है, आपको एक पोल हाउस लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई एक आपको बड़ा सा एरिया लेना पड़ेगा, उसका इतना लेंथ होना चाहिए, ब्रेथ और हाइट होनी चाहिए, ठीक है। एक ओपन शेड होना चाहिए, आपको वहां पर पानी रखना पड़ेगा, आपको केज रखने पड़ेंगे, प्रॉपर प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी, ठीक है। फीड, क्या फीड करोगे, क्या खिलाओगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ब्रीड्स ऑफ फाउल क्या होंगी, ब्रीड्स में देखो, इंडियन ब्रीड्स में होंगी असिल, कराकंता, बसरा, चित्तगोंग, घेगस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। एक अगर हम लोग इंडियन ब्रीड की बात करें तो उनका एवरेज एग प्रोडक्शन क्या होता है, पूरे साल में सिर्फ 60 अंडे देती हैं, बहुत कम है। इसलिए हम लोग क्या हैं, हाई यील्डिंग एग्जॉटिक ब्रीड पे गए, ठीक है। जैसे लेगहॉर्न, रोडे आइलैंड, ब्लैक मिनोर्का, लाइट सुसक्स, वो क्या करती हैं, पूरे साल में बहुत ज्यादा अंडे देती हैं, तो हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिकली भी यूजेज चाहिए, ठीक है। अब देखो लोकल वेराइटीज, अब ये देखो, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको नहीं देखना है। डिजीजेस ऑफ पोल्ट्री क्या होगी, देखो फाउल पॉक्स, रानीखेत, डायरिया, कॉलेरा एंड साल्मोनेलोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर पोल्ट्री को डिजीज हो गई है और हमने खा ली तो हम लोग भी डिजीज हो जाएंगे, तो इनकी मॉर्टिलिटी रेट, मरने की रेट क्या होती है, काफी हाई होती है, ठीक है। अदर पोल्ट्री बर्ड्स जैसे मस्कोरी, पैकिन, अल्सबरी एंड कंपन, ये इंपॉर्टेंट है। पोल्ट्री डेवलपमेंट इन इंडिया कहां कहां सबसे ज्यादा देखा गया है, बॉम्बे, भुवनेश्वर, हसरघटा एंड चंडीगढ़। सेंट्रल डक ब्रीडिंग फार्म एट हसरघटा, वो क्या कर रही है, सारी चीजों को दिख रही है कि कैसे एग दिया जा रहा है, किस तरीके से इनका यूजेज किया जा रहा है, ठीक है। ये 26.1 बिलियन दिखा था। फिशरीज, अगर हम लोग फिशरीज की बात करें, तो फिशेज का कल्चर एक्वा कल्चर होता है, क्योंकि वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहती हैं, ठीक है। इट इज पिस्सी कल्चर, प्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग ऑफ फिशेस, ठीक है। इंडिया हैज अबंडेंट मराइन एंड इनलैंड फिश रिसोर्सेज, आप देखोगे 4667 किलोमीटर तक इनका एरिया क्या है, है। इंडिया में फिश का कंजप्शन 1.51 किलोग्राम है पर ईयर, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में यह है कि रामायण महाभारत में लिखा है कि फिशेस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। वो फिश की आंख होते ना कि आप बिल्कुल मछली की आंख पर मारिए, ठीक है। तो फ्रेश वाटर फिशेस, मरीन फिशेस, काटला रोहू, कॉमन कार, हिल्सा सार्डिन, मैकरल एंड पोम्फ्रेट। अब देखो अगर हम लोग इसकी मेथड को बात करें कि हम लोग इसका कल्चर कैसे कर सकते हैं, तो इसके कल्चर करने के लिए क्या है, आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड्स करना पड़ेगा, ठीक है। पॉन्ड्स के साथ आपको देखना पड़ेगा कि वहां की सॉइल कैसी है, वहां का वाटर सप्लाई कैसा है, उसके बाद जाकर आप इसका कल्चर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉन्ड, नर्सरी पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड, ठीक है, जहां पर आप इनकी रेयरिंग और इनका
रिप्रोडक्शन करवा सकते हो। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, ये जो इनलेट दे रखा है यहां पर आप फिशेस की क्या कर सकते हो, रियरिंग कर सकते हो। ये जो आसपास का एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन टोपोग्राफिक फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रीडिंग पॉइंट्स हैं, हैचिंग पिट्स हैं, नर्सरी पॉइंट्स है, रियरिंग पॉइंट्स, स्टॉकिंग पॉइंट, मार्केटिंग पॉइंट्स। ठीक है, देखो स्पीशीज कंपोजिशन एंड स्पीशीज डेंसिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको बहुत तरीके की स्पीशीज दिख रही हैं। आपको इंडियन स्पीशीज भी दिख रही हैं, ठीक है, और आपको बाहर की एग्जॉटिक स्पीशीज भी दिख रही हैं। ठीक है, ये रही आपकी एग्जॉटिक स्पीशीज। देखो सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प, काटला रोहू मृगल, सिल्वर कार्प एंड काटला, इनका जो रेशो है वो इस तरीके से होता है ब्रीडिंग का। इसमें आपको ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्यादा कवर कराया है। ठीक है, ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग, नेचुरल ब्रीडिंग, सबसे बेस्ट सीजन कौन सा है, जून टू अगस्त। ठीक है, फिशेस क्या कर रही हैं, पाइसिस हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। गेटिंग माय पॉइंट, फीमेल लेस एग एंड मेल स्प्रिंकल्स एंड मिल्ट ओवर द एग। मतलब ये देखो कहने का क्या मतलब है कि जो मिल्ट होता है, मिल्ट होता है, इट इज एक्चुअली द स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जैसे यहां पर ये स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो गए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये काफी देर तक यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, और उसके बाद जर्क मोशन में स्पर्मेटोजोआ जो फीमेल फिश है उसके एग को क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। देयर इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, और इनकी रिप्रोडक्शन के लिए आपको प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत है, वो क्या है, 4 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। आपको देखना पड़ेगा कि वाटर पॉल्यूशन नहीं हो, प्रॉपर ऑक्सीजन होना चाहिए, नो बायोलॉजिकल, मतलब बोलते ना कि नो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और भी बहुत सारे, मतलब आपको जो पानी है इट शुड बी क्लियर फॉर डूइंग द रिप्रोडक्शन। पीएच इतना होना चाहिए, टर्बिडिटी। ठीक है, अब देखो ऐसा कह सकते हैं कि जो क्लाउडी डेज होते हैं, बारिश का सीजन होता है, वो गुड फॉर ब्रीडिंग, क्योंकि उस समय जो एंडोक्राइन और सेक्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या होता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशेस, हाईली न्यूट्रिशियस। हाईली न्यूट्रिशियस ऑयल है, ठीक है, विटामिन ए एंड कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, फिश प्रोटीन, फिश मील। देखो फिश मील में क्या है, एक तरीके से इसको व्हाइट फिश मील कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटीन इतना है मैक्सिमम, मिनरल मॉइस्चर, देखो कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड, आयोडीन। आप देखो कि फिश कितनी, मतलब वो बोल सकते हैं कि हाईली न्यूट्रिशियस है। फिश ग्लू तेल से बनता है, इसिंग ग्लास, ठीक है, ये फिश के स्विम ब्लैडर से बनता है। ठीक है, ये जो ग्लास है ये पर्स, हनीकॉम, बुक एंड रिबन बनाने में यूज होता है। ठीक है, फिश फिन्स ये लार्ज होते हैं। ठीक है, अगर आप इनको, जैसे अगर इनको काट कर आप इनको सुखाओगे तो कहीं ना कहीं इनका ये बहुत शाइनिंग प्रोडक्ट होते हैं और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, फिश फ्लोर, बिस्किट बनते हैं, ब्रेड केक बनता है बहुत। देखो ये मेनली क्या होता है, कुछ कुछ जो बोलते हैं ना कि
फूड होते हैं जिनमें बहुत ही बेकार की खुशबू नहीं आती है, उनको एक तरीके से ऑर्डर देने में काम करता है। फिश फर्टिलाइजर इंक्रीजेस फर्टिलिटी, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग एनिमल ब्रीडिंग के बाद प्लांट ब्रीडिंग पे आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है स्टूडेंट, तो हम लोग, मैंने इसलिए आपको क्या है मेन मेन पॉइंट बताया है। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब इंक्रीज द यील्ड, क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने, इंक्रीज द यील्ड, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, क्वालिटी भी एंड क्वांटिटी भी, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब प्लांट्स की पैदावार को हद से ज्यादा बढ़ा दो, ऐसे मेथड्स अपनाओ। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, टू डेवलप द न्यू वेराइटीज, टू डेवलप द न्यू वेराइटीज, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल मैन्युपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप्स, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई गुड रूट एब्जॉर्प्शन अपने ग्राफ्टिंग में देखा था ना, इनटू पावरफुल स्टेम, इसको ब्रीड कराओगे तो आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, मैनी प्रेजेंट क्रॉप्स आर रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन, ठीक है। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, इन्वॉल्व क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइंस। जैसे आपने एक प्लांट उठाया उसके अंदर एक कैरेक्टर बेस्ट है, आपने दूसरा प्लांट उठाया उसके अंदर कैरेक्टर बेस्ट है, रूट एब्जॉर्प्शन आता है, स्टेम अच्छा है, लीफ है, फ्लावर आते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस है, ठीक है। पर ये मेथड क्या है, थोड़े से स्लो है, इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग से कर रहे हैं हम लोग। देखो, इंक्रीज, जैसे हम लोगों ने कहा कि जो इंप्रूव क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है, गुड यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट, अब जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट भी करवा सकती है और खुद कमर्शियल कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज भी करवा सकती हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको दो अलग अलग वेराइटीज की क्या करनी है, ब्रीड लेके आनी है। गेटिंग माई पॉइंट, देखो, इन मैनी क्रॉप प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल, ठीक है। कलेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वेराइटीज, आपको ले देखिए यहां पर क्या करना है, ढूंढना है और रिसर्च करनी है। इवेल्युएशन और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, जैसे आपको एक पेरेंट लाए हो मेल, ठीक है, और दूसरा लाए हो फीमेल, तो आपको उन दोनों को क्या करना है, टेस्ट करना है कि ये सही भी है कि नहीं है। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट, ठीक है। जैसे एक हाई प्रोटीन क्वालिटी है, एक डिजीज रेजिस्टेंस है, तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, डेफिनेटली अच्छा ही होगा। दो हाइब्रिड को मिला रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन। देखो, अब ये क्या है, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमर टीडियस प्रोसेस है कि पहले जाओ मेल को ढूंढो, अच्छा उसका टेस्ट करो, फिर फीमेल को ढूंढो, अच्छा उसका टेस्ट करो, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस प्रोसेस है, ठीक है। अब आपने कोई न्यू प्लांट देखा, वो तो बोला अभी बहुत छोटा है, उसको तो बनने में ही बहुत टाइम लगेगा, फिर आपने क्या है बहुत देर वेट किया कि वो कब बनेगा, तो आप क्या कर रहे हो, लेट हो जाओगे। ऐसे सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपर कॉम्बिनेंट्स,
गेटिंग माई पॉइंट? इसमें क्या है, आप बहुत सारे प्लांट ले लो, बहुत सारे प्लांट ले लो और उनको ऑब्जर्व कर लो, और मेल को अलग कर लो और फीमेल को अलग कर लो. यहां पर क्या है, आपको साइंटिफिक इवेल्युएशन करना पड़ेगा प्रोजेनी का. जैसे आपने बहुत सारे मेल मेल ले लिए, बहुत सारे फीमेल फीमेल ले लिए, फिर आप उनको एनालाइज करोगे और बेस्ट 10 निकाल लोगे. ठीक है, अब क्या होना चाहिए, यहां पर जो मेल प्लांट है ये भी सुपीरियर होना चाहिए, फीमेल प्लांट भी सुपीरियर होना चाहिए. जैसे मैंने कहा ये आपका फ्लावर है, अब इसमें क्या है, ये एंथर है, ये आपकी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है. अब आपने ये बेस्ट ले लिया फ्लावर, ये प्लांट है, ये प्लांट का फ्लावर है, अब आप इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाओ, आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट कैसा आएगा. टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स. ठीक है, आपने देख लिया कि भाई क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिजीज नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस, नाउ यू कैन अलाउ इट टू गिव इट टू मार्केट. ठीक है, इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री. एग्रीकल्चर से जो हमें मिलता है वो एटलीस्ट 62% पॉपुलेशन को तो फीड करता ही है. हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में, हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसमें 62% लोग इंप्लॉयड है. ठीक है, नाउ एज ओनली लिमिटेड लैंड इज फिट फॉर कल्टीवेशन, इंडिया इज ट्राइड टू इंक्रीज यील्ड्स पर यूनिट एरिया. पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया कम है, खाना ज्यादा बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सजेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. ये सम इंडियन हाइब्रिड क्रॉप, जैसे ये कॉर्न हो गया, ठीक है, ये मेज हो गया, ठीक है स्टूडेंट, वीट है, ये गार्डन पी, वीट एंड राइस. ड्यूरिंग द पीरियड 1960 to 2000 वीट का प्रोडक्शन सिर्फ 11 मिलियन था, राइस का प्रोडक्शन 75 मिलियन था, क्योंकि वेराइटीज क्या है, इतनी अच्छी नहीं थी. फिर एक साइंटिस्ट आए, नोबल लॉरेंट नॉर्मन ई बोरलॉक, इन्होंने फार्मर्स को बताया कि आप नई टेक्निक का यूज करो, आप कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, मोर प्रोडक्शन इन लेसर टाइम. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इन्होंने कहा कि 1963 सेवरल वेराइटीज सच एज सोनालिका एंड कल्याण सोना, पहले इनमें क्या होती थी, बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग निकलती थी, पर इन, देखो हाई यील्डिंग भी थी, डिजीज रेजिस्टेंस भी थी, पर कहीं ना कहीं जो क्वालिटीज थी वो इतनी अच्छे से नहीं मिल रही थी. ठीक है, जब न्यू क्वालिटीज आई तो आपने देखा होगा जया और रत्ना टाइप के राइस भी क्या हो गए, मार्केट में आ गए. ठीक है, अब अगर शुगर केन की खेती के बारे में बात करें, मतलब सैकेरम बारबेरी, सैकेरम बारबेरी ये क्या है, ये भी शुगर यील्डिंग है, शुगर यील्डिंग, गेटिंग माय पॉइंट. अब क्या है, यहां पर जो सैकेरम बारबेरी है उसको किसके साथ मेट कराया, सैकेरम ऑफिशिनेरम, जिससे कि हाई यील्ड मिले, थिक स्टेम मिले और हाई शुगर मिले. ठीक है, मिलेट्स, मिलेट्स को भी ऐसे ही किया. अब देखो ये प्लांट ब्रीडिंग का पर्पस क्या है, प्लांट ब्रीडिंग का पर्पस है डिजीज रेजिस्टेंस, फंगल हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, इससे क्या करना है, प्रोटेक्शन देनी है. ठीक है, देखो रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट प्लांट इज एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम क्रॉसिंग
डिजीज, मतलब कौन से प्लांट को कौन सी डिजीज हो सकती है, किससे हो सकती है और वो कैसे ठीक हो सकती है, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। सम ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई आर रस्ट, ठीक है, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, वायरस की तरह टोबैको मोजाइक और टर्निप मोजाइक। ठीक है, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है, अगेन कन्वेंशनल मेथड में क्या है, आप एक वैरायटी ले लो रूट एंकरेज वाली, एक वैरायटी ले लो डिजीज रेजिस्टेंस वाली, आपको अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो वीट की वैरायटी हिमगिरी, ब्रेसिका की वैरायटी प्यूसा स्वर्णिम, क्वाली फ्लावर की प्यूसा शुभ्रा, काउपी चिली का प्यूसा कोमल और प्यूसा सदाबहार। ये मैं बता रही हूं तब पूछा नहीं जाता है, क्वेश्चन आया है। इनमें ऐसा कुछ करो कि इनमें ये वाली डिजीजेस नहीं हो। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जेनेटिक चेंज। म्यूटेशन का मतलब होता है जेनेटिक चेंज, दैट मीन जैसे ये एक क्रोमोजोम है, ये एक प्लांट का है, ये दूसरा क्रोमोजोम है, ये दूसरे प्लांट का है, इसको थोड़ा सा क्या कर लो, म्यूटेट कर लो, तो इसकी वैरायटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब आप दोनों को मेट कराओगे तो ऑफस्प्रिंग क्या हो जाएगा, अच्छा मिलेगा। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट क्या करते हैं, लीव डिस्ट्रक्शन, क्लोरोफिल को खा गए, पत्ती को खा गए, क्लोरोफिल नष्ट हो गया ना। हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड टू रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बॉर्डर्स। मतलब आपको हर प्लांट की एक नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें ऐसा क्या डालूं कि इसको डिजीज नहीं हो। ठीक है, नाउ ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट इन्वॉल्व द सेम स्टेप जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, देखो जैसे ब्रेसिका ये इससे खराब हो जाती है एफिड से, फ्लैट बीन जेजिड से, ओकरा शूट एंड फ्रूट बोरर पूरी भिंडी को वो खराब कर देती हैं। प्लांट ब्रीडिंग फ्रॉम इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी, जिससे कि हमारे पास आयरन विटामिन ए आयोडीन और जिंक की जो कमी है वो क्या है, भरपूर अमाउंट में हो जाए। ठीक है, बायो फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है, बायो फोर्टिफिकेशन मतलब ऐसा प्लांट उगाओ जिसका प्रोटीन कंटेंट हाई हो, प्रोटीन कंटेंट हाई, ऑयल कंटेंट, विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। ठीक है, नाउ 2000 में मेज का कोई हाइब्रिड बनाया, उसमें देखा था अमीनो एसिड लाइसिन और ट्रिप्टोफैन डबल हो गए थे, वीट की वैरायटी एटलस 66 बनाई तो हाई प्रोटीन कंटेंट हो गए थे, इट इज ड्यू टू बायो फोर्टिफिकेशन। देखो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब IARI, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स बनाई जो रिच इन विटामिन ए है, विटामिन सी है। ठीक है, फोकस ऑन विटामिन ए एंड विटामिन सी अबंडेंटली इन क्रॉप्स। अब देखो स्टूडेंट, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन ये एक आप ऐसा कह सकते हो कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मेथड है, जिससे कि आप सीरियल पल्सेस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की पैदावार क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। देखो कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, मैं किस तरीके से, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ गई, अब मैं चाहती हूं कि 25% अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बनी है तो उसका फूड 50% होगा, तो उसका अल्टरनेट सोर्स है सिंगल सेल प्रोटीन SCP। इसमें क्या होता है, माइक्रोब्स आर ग्रोन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल एज दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। माइक्रोब्स लाइक स्पाइरोलिना, इन्हें ग्रो किया जाता है,
ठीक है, इससे आपको स्टार्च मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, सीवेज ट्रीटमेंट करेगा, एनिमल मैन्योर बनेगा. सिंगल सेल प्रोटीन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है, ऐसे माइक्रोब जो सिंगल सेल्ड हैं और आपको प्रोटीन देंगे. माइक्रोब्स, ठीक है, यस. अब क्या है, टिश्यू कल्चर. टिश्यू को क्या करो, आप कल्चर करो. टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जैसे कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, जैसे ये कोई भी एक प्लांट है, आपने इसको फेवरेबल कंडीशंस दी, आप इसको कोई सॉइल में नहीं ग्रो करवा रहे हो, ऐसा कोई हाइड्रोपोनिक्स नहीं यूज कर रहे हो, टिश्यू कल्चर यूज कर रहे हो, इसको बहुत सारी फेवरेबल कंडीशंस दे रहे हो और देख रहे हो कि कितना न्यूट्रिशन देने पर ये कितना ग्रो करेगा. ठीक है, नाउ दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट अवे फ्रॉम सेल और एक्सप्लांट इज कॉल्ड टॉटिपोटेंसी. या हम कोई सेल को यूज नहीं कर रहे हैं, या हम लोग कोई नेचुरल कंडीशन नहीं डाल रहे हैं, हम लोग सिर्फ प्लांट को टेस्ट ट्यूब में लेकर न्यूट्रिएंट मीडियम दे रहे हैं. ठीक है, जैसे सुक्रोज हो गया, विटामिन हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, कुछ हॉर्मोन्स हो गए, ठीक है, जिससे कि फास्ट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, इससे क्या है, आप एक बार में एक प्लांट से 1000 प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज मिल गई है. जैसे आपने एक प्लांट को डाया, लेबोरेटरी में रख दिया, अब आप उसको अच्छा खाना दे रहे हो, हॉर्मोन्स दे रहे हो, पानी दे रहे हो, आपको समझ में आ गया कि ये तो इतने से देने में बढ़ जाता है, तो आप पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना सकते हो, क्योंकि प्लांट के सेल्स में टॉटिपोटेंसी की पावर है. लेकिन यहां पर सेल फ्री सिस्टम में हो रहा है, मतलब इन लेबोरेटरी. हाइड्रोपोनिक्स देखा था मिनरल न्यूट्रिशन में, वो थोड़ा अलग है, टिश्यू कल्चर अलग है. तो आप इससे टोमेटो, बनाना, एप्पल, बहुत तरीके के प्लांट्स बना सकते हैं. एनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिजीज से, भाई देखो, एवरीथिंग इन कंट्रोल हियर, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल. मॉनिटर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि अच्छा इस प्लांट को डिजीज हो गई है, क्या पता हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बेकार हो. तो हमारे पास हर चीज का रेगुलेशन है, तो मैक्सिमम जो प्लांट ग्रो होंगे वो क्या होंगे, वायरस फ्री प्लांट्स. ठीक है, नाउ यस, साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम द प्लांट आफ्टर डाइजेस्टिंग द सेल वॉल. कहने का क्या मतलब है कि ये प्लांट है, इसमें से आप सेल को क्या कर लो, एक्सट्रैक्ट कर लो. सेल को जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, टेस्ट ट्यूब में डाल दो, सारी फेवरेबल कंडीशंस दे दो. ठीक है, सेल शो टॉटिपोटेंसी, खटाखट डिवाइड करेगा, डिवीजन और पता नहीं कितने आप प्लांट बना सकते हो, मेनी प्लांट्स. गेटिंग माय पॉइंट. नाउ दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड एज सोमेटिक हाइब्रिड्स. सोमेटिक मतलब प्लांट टू एन था, उसको आपने एक्सट्रैक्ट किया और जो न्यू प्लांट है वो भी टू एन बना. टू एन मतलब डिप्लॉइड, टू एन का मतलब होता है सोमेटिक पार्ट. जैसे आपने टोमेटो को पोटैटो के साथ मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा, पोमेटो. टोमेटो का 2N, पोटैटो का 2N, पोमेटो का 2N. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पोटैटो में एक अलग फीचर है, टोमेटो में एक अलग फीचर है. पोटैटो अलग स्पीशीज है, टोमेटो अलग स्पीशीज है. आपने उन दोनों को मिलाया और फाइनली रिजल्ट मिल गया.
ये खत्म होता है आपका स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर। मुझे पता है स्टूडेंट्स, ये मैंने थोड़ा फटाफट लिया है क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत थी, इसे मैंने इंपॉर्टेंट बताया है। जब मैं इसका मैराथन लूंगी तो मैं इसको और कंसाइज कर दूंगी। तो एक बार रिवीजन, मैराथन में दो बार रिवीजन। अगेन कह रही हूँ स्टूडेंट्स, मुझसे पढ़ना है तो आपको अनअकैडमी के साथ जुड़ना पड़ेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शंस आर बेस्ट। मेरा कोड यूज करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है स्टूडेंट, और वो 1 ईयर और 2 ईयर का ही बेस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगली बार मिलेंगे दूसरे सेशन के साथ, सुपर कूल सेशन के साथ स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।